हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बाबा कंप्यूटर क्लासेस। इसमें हम रीटचिंग कर रहे थे और अब हमारा जो टॉपिक है क्लोन स्टैम्प टूल के अकॉर्डिंग रिपेयरिंग एरिया विद क्लोन स्टैम्प टूल। अब क्लोन स्टैम्प टूल से हम जो रीटचिंग है जो हमने पहले कवर किया था उसके बाद जो पोर्शन आता है हमारा, तो कैसे इसको कवर करेंगे। द क्लोन स्टैम्प टूल, क्लोन स्टैम्प टूल कौन सा है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये वाला, ठीक है, ये जो है ये क्लोन स्टैम्प टूल का आइकन है, ठीक है, ये ऐसे आपको आइकन मिलेगा। तो ये जो क्लोन स्टैम्प टूल है, यूज पिक्सल। पिक्सल क्या होता है, देखो पिक्सल मैं आपको बताता हूँ। एक जो हमारी मान लो एक स्क्रीन है ये, ठीक है, उसमें पिक्सल जो डिस्प्ले का सबसे छोटा पार्ट है, टिनी पार्ट, मतलब सबसे छोटा पार्ट। आपने देखा है ना डॉट डॉट मिलके, ये पिक्सल डॉट डॉट एक दूसरे से मिलके तो वो डिस्प्ले कवर करते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे जो एक सबसे लिटिल पार्ट होता है उसी को क्या कहा जाता है, पिक्सल, ठीक है। पिक्सल, यूज पिक्सल फ्रॉम वन एरिया ऑफ एन इमेज टू रिप्लेस द पिक्सल ऑफ अनदर पार्ट ऑफ द इमेज। रिपेयरिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारा डिस्प्ले है उसमें या जो हमारी इमेज है उसके किसी एक पार्ट को रिप्लेस करते हैं इमेज के किसी दूसरे पार्ट से, ठीक है। इसको किस तरह से, इट डुप्लीकेट सम पार्ट ऑफ एन इमेज बाय सेटिंग अ सैम्पलिंग पॉइंट इन द इमेज टू बी क्लोन्ड। मतलब एक पार्ट का कॉपी करके उसका क्लोन, मतलब उसी का नमूना, उसी की जैसे उस पार्ट को किसी और जगह हम शिफ्ट कर देते हैं, किसी एक छोटे से पार्ट को डिस्प्ले के उसी के जैसे उसी पार्ट को कॉपी करके दूसरी जगह रिप्लेस कर देते हैं, या उसके पिक्सल को जहां हमको रिपेयर करना है वहां रिप्लेस कर देते हैं। यूजिंग दिस टूल यू कैन नॉट ओनली रिमूव अनवांटेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर इमेज। इस टूल का यूज़ करके सिर्फ आप अनवांटेड ऑब्जेक्ट को रिमूव नहीं करते, बल्कि इवन यू कैन ऑल्सो फिल इन मिसिंग एरिया इन फोटोग्राफ्स। बल्कि आप जो किसी इमेज का मिसिंग एरिया भी हो ना, तो हम उसको भी कवर कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, विच आर स्कैंड फ्रॉम डैमेज ओरिजिनल। सबसे पहले सेलेक्ट क्लोन स्टैम्प टूल, आपको क्लोन स्टैम्प टूल जो टूल पैनल में मिलेगा आपको वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इन द ऑप्शन बार ओपन द ब्रश पॉपअप मेन्यू एंड सेट द साइज टू 21 एंड द हैंड हार्डनेस टू 0%, देन मेक श्योर दैट द अलाइन ऑप्शन इज सेलेक्टेड। आपको ये ऑप्शन मिलेगा उसकी सेटिंग में, ये जो साइज है 21 पिक्सल कर लीजिए, हार्डनेस 0 कर लीजिए, ठीक है। इनमें से जो भी ब्रश आपको चाहिए, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इनमें से आप किसी को यूज़ कर सकते हैं जिसको सेलेक्ट करना चाहें। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक ऑन विंडो टैब एंड चूज क्लोन सोर्स टू ओपन द क्लोन सोर्स पैनल। दिस पैनल गिव्स यू द ग्रेटर कंट्रोलर ओवर द एरिया यू आर क्लोनिंग फ्रॉम। यहाँ पे क्लोन सोर्स पे आप चूज करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेना है आपने, और इनमें से जिसकी जो सेटिंग आप अपने रिगार्डिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट द शो ओवरले एंड क्लिप्ड ऑप्शन इन द क्लोन सोर्स पैनल एंड मेक श्योर द ओपेसिटी इज सेट टू 100%। जो ओपेसिटी है आपको 100% रखनी पड़ेगी, और जो ओवरले लेट्स यू सी व्हाट यू आर क्लोनिंग बिफोर यू स्टैम्प इट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, मूव द क्लोन स्टैम्प टूल ओवर द डार्कनेस डार्कर ब्रिक जस्ट द राइट ऑफ द हॉट स्पॉट ऑन द वॉल। आपने क्या किया, सबसे पहले
क्लोन स्टेप टूल को मूव किया वहाँ पे, जहाँ देखो इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि ये एरिया जो है आपको कवर करना है, और डार्कनेस पॉइंट से आप जहाँ इसी के जैसा एक अलग पोर्शन है वहाँ से आप चूज कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रेस अल्ट की, जहाँ से आपको वो इमेज का पिक्चर का सैंपल लेना है वहाँ उसको मूव करके क्लिक कर देना आप, ठीक है। वहाँ से आपका सैंपल जो है कैप्चर हो जाएगा। क्लिक टू स्टार्ट सैंपलिंग दैट पार्ट ऑफ द इमेज। व्हेन यू प्रेस अल्ट की द पॉइंटर अपीयर एज टारगेट क्रॉस हेयर, ठीक है। जब आप अल्ट की प्रेस करेंगे तो आपका जो टारगेट है वो वहाँ क्रॉसिंग लगा आने लग जाएगा, ठीक है, जैसे ही अल्ट प्रेस करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, स्टार्ट ड्रैगिंग द क्लोन स्टैम्प टूल टू द राइट ओवर द हॉट स्पॉट एरिया। जो हॉट स्पॉट एरिया था उसके ऊपर को आप जो क्लोन स्टैम्प टूल को ड्रैग करोगे, मतलब मूव करोगे माउस से, और वो जो एरिया है वो बिल्कुल एज इट इज़ हो जाएगा जहाँ से आपने सैंपल लिया था, ठीक है। एक साइड से जहाँ से आपने भी सैंपल लिया है वो वैसा हो जाएगा। इस तरह कंटिन्यू क्लोनिंग द ब्रिक्स अंटिल द एंटायर हॉटस्पॉट इज फिल्ड। आप उस क्लोनिंग को कंटिन्यू करेंगे, मतलब क्लोनिंग क्या है, वो आपने जो सैंपल लिया है उसी के जैसे वो फिल करते जाना है, तो उसी के जैसे अगर फिल करेंगे तो वो हॉटस्पॉट जो एरिया था आपका वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और वो वैसे कि वैसे वो पिक्सल एरिया आपका कवर हो गया जहाँ से आपने सैंपल लिया था उसी जैसा बन गया, ठीक है। व्हेन यू आर ओवर विद द अपीयरेंस ऑफ द ब्रिक्स क्लोज द क्लोन सोर्स पैनल एंड क्लिक ऑन फाइल। उसके बाद आप क्लोन सोर्स को क्लोज करेंगे और सेलेक्ट सेव ऑप्शन टू सेव फाइल, और फाइल को सेव कर देंगे। उसके बाद आता है आपका मैजिक वैंड टूल। जो मैजिक वैंड टूल है आपका वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। अब ये कैसे काम करता है उसके लिए पढ़ेंगे। द मैजिक वैंड टूल सेलेक्ट ऑल द पिक्सल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कलर और कलर रेंज। जो मैजिक वैंड टूल है, कोई आपकी इमेज है सपोज करो, उस इमेज में एक सिंगल कलर जिस पे आप सेलेक्ट करोगे उस सिंगल कलर को ही वो पर्टिकुलरली सेलेक्ट कर लेगा। पूरी इमेज में जहाँ उस जैसा कलर होगा उसको ऑटोमेटिकली वो सेलेक्ट कर देगा, हमको एक अलग से सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही सेलेक्ट कर देगा उसको, ठीक है। इट इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर सेलेक्टिंग एन एरिया ऑफ सिमिलर कलर सराउंडिंग बाय एरिया ऑफ वेरी डिफरेंट कलर। ये अलग अलग कलर में से जो सिमिलर कलर है उसको अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। एज विद मैनी द सिलेक्शन टूल आफ्टर यू मेकिंग द इनिशियल सिलेक्शन यू कैन एड और सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ द सिलेक्शन। इसमें से आप अपने रिगार्डिंग कम या ज़्यादा एरिया को कर सकते हैं सिलेक्ट। टू द टॉलरेंस ऑप्शन सेट्स द सेंसिटिविटी ऑफ द मैजिक वैंड टूल। दिस वैल्यू लिमिटेड और एक्सटेंड द रेंज ऑफ पिक्सल सिमिलैरिटी। द डिफॉल्ट टॉलरेंस वैल्यू इज़ 32। इसकी जो टॉलरेंस वैल्यू होती है वो 32 है। यू मे नीड टू जस्ट द टॉलरेंस लेवल अप और डाउन डिपेंडिंग ऑन द कलर रेंज। ये जो टॉलरेंस लेवल है वो कलर रेंज पे कम ज़्यादा हो सकता है, एंड द वेरिएशन इन द इमेज के अकॉर्डिंग भी ये वेरी कर सकता है, चेंजिंग हो सकता है। इफ़ अ मल्टी कलर एरिया दैट यू वांट टू सेलेक्ट इज सेट अगेंस्ट अ बैकग्राउंड ऑफ अ डिफरेंट कलर, इट कैन बी मच ईजियर टू सेलेक्ट द बैकग्राउंड देन द एरिया इट्सेल्फ। अब कैसे वो ईजी हो जाएगा, अगर आपको कई सारे कलर में से किसी कलर को चूज करना है, जैसे सेलेक्ट द मैजिक वैंड टूल। आपने मैजिक वैंड टूल जो ये इस मैजिक वैंड टूल का जो आइकन है ये आपको दिख रहा है, इनमें से जैसे ही आपने ओपन किया तो आपका ये ओपन हो जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो इसके अंदर दो ऑप्शन हैं, एक तो है
क्विक और दूसरा है मैजिक वैंड टूल। ठीक है, क्विक सिलेक्शन टूल में तो आप अपने रिगार्डिंग जैसे ही आप फ्री हैंडली करते हैं। ठीक है, मैजिक वैंड टूल में ऑटोमेटिकली वो एक पोर्शन को कवर कर देगा। ठीक है, इन द ऑप्शन बार कंफर्म द टॉलरेंस वैल्यू इज 32। ऑप्शन बार में टॉलरेंस वैल्यू चेक करेंगे आप, 32 है। दिस वैल्यू डिटरमाइंस द रेंज ऑफ कलर द हाउस सिलेक्ट। उसके बाद आपने क्या कहा, सेलेक्ट द एड टू सिलेक्शन बटन इन द ऑप्शन बार इन एड टू सिलेक्शन। देखो, अ प्लस साइन अपीयर्स नेक्स्ट टू द वैंड इन द पॉइंटर आइकन। जहाँ आपका पॉइंटर आइकन है वहाँ पे एक प्लस बार आ जाता है, वो प्लस बार को जहाँ तक आप ड्रैग करते हो वो उस पोर्शन को क्या है सिलेक्ट कर लेता है। एनीथिंग यू सिलेक्ट नाउ विल बी एडिड फ्रॉम द इनिशियल सिलेक्शन। नहीं तो जो आपकी नॉर्मली इनिशियल सिलेक्शन हुई है आप सिर्फ उसी को सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप अलग चाहे तो उसको एक अलग से भी कर सकते हैं। द मैजिक वैंड टूल सिलेक्ट द एंटायर एरिया एडिंग इट फ्रॉम द सिलेक्शन। अब जैसे कि हमने क्या किया, जो यहाँ ये पोर्शन था, ये इस कलर का पोर्शन है, यहाँ ये सारा का सारा क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली। एक जो ये सिंगल कलर था ये इसने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ग्रेडियंट टूल का आप यूज़ करेंगे, ड्रैग द लाइन इनटू द सिलेक्टेड एरिया टू चेंज द कलर। आपको कलर चेंज करना है, ब्राउन कलर आपने चूज कर लिया ग्रेडियंट में, और क्लिक ऑन द सिलेक्ट टैब एंड डिसलेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सिलेक्ट टैब में आपने जो एरिया था वो कवर कर दिया उसने, और उसके बाद आप फाइल को सेव करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब रेड कलर का आपको नीचे लिखा दिखेगा, अगर रेड कलर का लिखा हुआ है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे आप को जो भी नई वीडियो बनेगी आपके पास तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।